पहले जहाँ गए थे नदी में वहाँ जाएंगे, जिनसे होता है वो स्नान करो, जिससे नहीं होता सिर्फ सर पे पानी छिड़क लो या आपने उस पानी से थोड़ा हाथ पैर धो लो जो हो सका, वो लोग स्नान करो, फिर बाद में बृहस्पति की प्रतिष्ठान करके यहाँ खाना खाने को चले आ जाएंगे। ये आज का कार्यक्रम है। कल वो घाट पर जाएंगे, जो पानी मैंने देखा है बहुत गंदा है, थोड़ा सा पानी रोक रखे हैं, इसलिए वहाँ का स्नान अच्छा रहता है, यहाँ का पानी छिड़क लेकर आ जाएंगे। आज तुलसी की स्थापना सिंधु नदी के घाट पर करने से या तुलसी की पूजा करना सौभाग्य का कारण कहा गया है और बृहस्पति को बहुत प्रिय है। और हम सिंधु नदी में आपको जो मैं शिवलिंग और ये सुदर्शन शालिग्राम दिया हूँ, उसको निश्चित रूप से सुदर्शन उस शालिग्राम को सिंधु नदी में डुबाकर उसका जल आपके ऊपर छिड़क दे और उस शालिग्राम को और उस अपने शिवलिंग अपने घर में एक साल के लिए स्थापन कर दो। आपकी जो भी इच्छा है पूर्ण हो, ऐसा ही गुरु जी के गुरु जी को मैं प्रार्थना करता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी कामनाएं सिद्ध होगा। आज हम फिर रात में एक बार गुरु पूजन संपन्न करके गुरु जी की 11 माला आज रात में करेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखना कि आज बृहस्पति कल रात में 11 बजे से 2 बजे तक कुंभ राशि में प्रवेश करने का पर्व काल रहने से ही आज सिंधु नदी में हम स्नान करें। सिंधु ने पहली बार पृथ्वी पर बृहस्पति नाम के वह देवता पहली बार पृथ्वी पर सिंधु नदी पर यही आए थे, उसके लिए 60 साल के बाद हम 60 साल तक अभी आगे जिंदा रहेंगे सिंधु नदी में आएंगे इसका कोई पता नहीं है, इसलिए आज हम हमारा भाग्य है कि आज हम यहाँ कर ले रहे हैं। यहाँ आज हम कौन से भी देवता का पर्टिकुलरली अपने गुरु मंत्र का गुरु का मंत्र अगर करते हैं तो कहते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु होने के कारण आशीर्वाद देते हैं कि तुम सातों जन्मों तक गुरु कृपा से ठीक रहो, तुम्हारे कुल देवता कुल देवी से तुम्हारी कृपा प्राप्त हो, तुम सुख सौभा के अपनी पति पत्नी सभी के आशीर्वाद से बच्चों से पुत्र पोत्रों से ठीक रहो। बात यह है कि हम कल रात में जब बृहस्पति या परमपूजनीय था, मैं अगर आप सोचते हैं तो पत्नी रात को बताएं क्योंकि वो थी रात भर नहीं सोया, योगी आकर सताती रही आती है तुम इतने लोगों को लेकर यहाँ आए कैसे, ये लोग इतना क्या पुण्य किए हम क्या नहीं करें, आज हम स्नान को यहाँ आना चाहते हैं, तुम हमारा पहला स्नान करो बाद में इनको स्नान करो, जो होने वाली बात नहीं है। एक सुरसुंदरी नाम की एक योगिनी है जो भगवानों की योगिनी कहलाई गई है, तो रात भर मेरे साथ परेशानी करती रही। आज सुबह वृक्ष पर एक दोनों ही देखे हैं पक्षी के रूप विचित्र पक्षी के रूप में, आज तक आप एक भी पक्षी ऐसा नहीं दिखते ऐसे पक्षी के रूप में आया, तो उसको होने के बाद उसने आज वो मेरे साथ झगड़ा क्या कि आज उसको मुक्ति का दिन है यहाँ से छोड़ देना, और वो कहती है कि तुम मुझे सर्वस्व बाद में तुम यहाँ भेजो, और मैंने किसी भी हालत में कहा है कि यहाँ जब आया हो तो यहाँ सुन रही, तो बृहस्पति जी ने उसको आज कह दिया कि तू अगर जोशी को इस प्रकार देती तो मैं श्राप देता हूँ तू गपचुप चली जा। आज वो पक्षी के रूप में आकर अपना जीवन बदल कर किसी को कोई नहीं देती मुझे क्षमा कर दो ऐसा कहते हुए पत्नी भी हम सब लोग कल रात से इतना पीट दर्द इतना एक एक मिनट भी नहीं सोया देता हमारा एक मिनट में इतने फूल इतने ही इतना रात भर आज उसका मुक्ति का दिन है, मेरा और उसका झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे सिंधु नदी में स्नान करते हुए वो पक्षी के रूप में आकर वहाँ भी स्नान करके जाएगी और बृहस्पति आज उसको मुक्ति दे देंगे और हम सभी को भी हम उस चीज़ से मुक्ति पाकर हम बृहस्पति जी की कृपा प्राप्त कर अपने कुल देवता देवी अपने पुत्र पौत्र पत्नी सभी का भी उद्धार करने के लिए आज सिंधु नदी में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये घाट का सिंधु नदी का पानी बहुत थोड़ा गंदा है वो करके है, इसलिए वहीं जाकर करेंगे मेरी इच्छा, जिसको हो सकता है वही करो नहीं तो पानी छिड़कने के आ जाओ, जो जिसको स्नान नहीं होता वो मत करो। लेकिन आज बृहस्पति कल रात में 11 से 2 बजे के बीच में कुंभ में प्रवेश करने से आज वह योग बनता है, हम वहाँ जाकर ही नहाकर गुरु मंत्र जप करते हुए अपने से जो बनता है बृहस्पति ही ब्राह्मण कहलाए जाते हैं, वो अमृत आज वो अमृत सिंधु नदी में रखते हैं, इसलिए आज सिंधु नदी अमृत बहता है, उसका स्नान करना अपने शरीर के लिए अपने आरोग्य के लिए अच्छा होता है अपने पितरों के लिए भी अच्छा होता है। मैंने काले अक्षत लाए हैं काले चावल, उसको गुरु मंत्र के साथ उस सिंधु नदी में हम अगर प्रवाहित करते हैं तो अपने पितर जहाँ भी है उनका उद्धार होता है। पहली कथा ऐसी है जब लोग विकसित हुए तो हुआ सारे लोग कौरव मर गए बहुत सारे लोग मर गए सब हो गए सब हो गए विष्णु पिता सभी चले गए, तो कुंती पहले ही युद्ध होने से पहले ही कुंती और उनको भेज दिया था धृतराष्ट्र आदि
गांधारी को सभी को भेज दिया था, व्यास महर्षि विजय सब चलेपति युद्ध देखता है, उसे बात नहीं हो रही थी, तो वही यही आकर इस हिमालय पर्वतों के पंजराव में रहने लगे। बाद में जब युद्ध समाप्त हुआ और जब द्वारका भी डूब गई तो पांडव पाई कर्ण सर्वारंभ के लिए मिले, स्वर्ग को जाने के लिए यहाँ से रास्ते के लिए निकले, तो रास्ते आते आते सिंधु नदी से जा रहे थे। तो जब आए तो उनको पता चला कि मेरी माँ और सब लोग यहीं है, तो पता चला विदुर चले गए हैं, गांधारी और कुंती अभी आश्रम में रहते हैं। तो सब पांडव जाकर नमस्कार करते हैं, माता को कहा तो माता जी ने पूछा क्या हुआ, एक कुरुक्षेत्र में ऐसा कौन, चार अक्षोहिणी सैनों के साथ अपने जितने भी सौ कौरव थे सब लोग मारे गए, बड़े द्रोण आशा महेश अश्वत्थामा कर्ण आदि सब मारे गए। तब कुंती की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आप उनको तो मार दिए हैं, क्या वो पाप हमें लगेगा, और क्या वो मर गए हैं तो तृप्ति से मरे हैं, तो वो तो आज भी द्वेष हमारे ऊपर रखेंगे, फिर पूर्व जन्म फिर अगले जन्म लेकर हमारे ऊपर मारने के लिए फिर जन्म लेंगे, इसका हमें कैसा पता चले। तो सभी लोगों ने उनके गुरु का आह्वान किया, उनके गुरु महर्षि व्यास थे, महर्षि व्यास को आह्वान करे तो व्यास महर्षि आए और उन्होंने कहा कि क्या मुझे किस लिए याद किया। तो पांच पांडवों ने कहा कि मेरी माँ ये दुखी है कि हमने कुरुक्षेत्र में इतने अच्छे अश्वत्थामा भीष्म कर्ण द्रोण आदि बड़े बड़े लोगों को महारथियों को मार दिया है, दुर्योधन आदि कौरवों को मार दिया है, ये सभी का ये पाप क्यों, ये लोग द्वेष रखकर फिर जन्म लेकर हमें फिर मारने के लिए आएंगे, या फिर ये सब क्या होगा, इसका पाप कैसे जाएगा, ये तो हमारे पितर है सब पांडु गए अपने गए ये सब लोग चले गए, तो इन सभी का ये सब किस स्थिति में है, नरक में है स्वर्ग में है या कहाँ है, इनका सबका पता कैसे चले, और हमारे को तृप्ति देने वाली बात आप गुरु है बताओ। ऐसा कुंती ने पंच पांडव ने अपने माँ के पितर का पूछा उनको व्यास महर्षि। तो व्यास महर्षि ने सिंधु नदी में एक स्तोत्र किया, मैंने सभी को दिया है आपको, सिंधु नदी में स्नान करने में वो स्तोत्र बोला है, जैसा ही वो स्तोत्र बोले सारे पितर सिंधु नदी में आए। कुंती ने उन सभी को देखा और देखने के बाद कुंती ने सभी को कुशल पूछा कि आप नरक में हैं या स्वर्ग में, तो सभी ने एक बात ही कही, हम कृष्ण के सामने मर गए हैं इसलिए हमें नरक प्राप्त ही नहीं होता, मरे भी कृष्ण के साथ थे, कृष्ण को देखते मरे हैं इसलिए तो हम स्वर्ग ही जाएंगे, तो हम सब लोग खुश हैं, हमारे मरने के करने का कोई आप दुख चिंता मत करो, क्योंकि भगवान कृष्ण के सामने मरने से हमारे सबको स्वर्ग प्राप्ति। तो कुंती को बहुत प्रसन्नता हुई, कहते हैं कि वो भी यही कुंभ प्रयोग, तो हम हमारे पितरों के लिए अगर चार अक्षत काले अक्षत वो नहीं मिलते कभी भी, मैंने फिर भी आप सभी के लिए जो आए हैं आपके लिए लाया हूँ वो चार अक्षत अपने पितरों के लिए देते हुए हमारे पितर जहाँ भी हो वो सभी लोग भी तृप्त हो जाए और हमारे को इस तरह रखे कि उनकी कृपा हमारे लिए हो और वो सब लोग स्वर्ग में जाए और हमारे पुत्र पौत्र आदि सभी लोग सुख शांति से रहे, हमारा घर सुख शांति से प्रार्थना करते हुए उस अक्षत को स्नान करने के बाद छोड़े, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें, वहाँ आपको वस्त्र है कुछ भी है, और सिंधु नदी की आपके पास अगर एक हल्दी की गांठ एक खारी एक बादाम और एक ग्लोव पीस एक पुष्प के साथ सिंधु नदी को आप मराठी में ओटी बोलते हैं और बोध भराई जैसा बोलते हैं वैसा सिंधु नदी में छोड़कर सिंधु नदी हम आप आए हैं हमें पवित्र करो ऐसा बोलते हैं उसमें छोड़ देना है और गुरु के प्रति कृतज्ञता और रात में यानी सुबह वहाँ से स्नान करने के बाद शाम में फिर गुरु पूजन करेंगे, गुरु जी को क्रिसमस का नैवेद्य बताकर और उस गुरु मंत्र का मैंने 11 मालाएं बोला है, वो 11 मालाएं मंत्र जप करना है आज वहाँ से जाके आने के बाद। इस प्रकार आज का कार्यक्रम है, अभी हम यहाँ से 11:30 बजे यहाँ से निकलेंगे और वहीं नदी पे स्नान पे जाएंगे, जैसे अपने से हो सका हम स्नान करके आज कार्यक्रम के इसलिए मैं यहाँ बुलाया। अभी सभी लोग आप अपना जो भी नाश्ता है कर लो, टिफिन कर लो और हम 11:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। जिन्होंने नहीं किया है मैं कुलदेवता का मंत्र दिया है सुबह अक्षर डालकर कुलदेवता का मंत्र सभी लोग कर लिए हैं तो ठीक है, और रात में आने के बाद जिनको कुलदेवता चाहिए मालूम नहीं है, गुरु जी हमें हमारा कुलदेवता कुलदेवी क्या है नहीं मालूम है ऐसा बोलने वाले को उस 64 योगियों में से एक योगिनी को पुजारी में देता हूँ, तो आप उसको अपने घर में रखो और उसकी पूजा उस मंत्र की एक माला रोज 11 दिन करो तो आपके ऊपर कुलदेवता और कुलदेवी की कृपा निश्चित रूप से होगी और आपका वंश वृद्धि होगी, सभी लोग सुख शांति से रहेंगे, धन धान्य आदि सभी बनकर रहेंगे। जिनके घर में शादियाँ नहीं होती, बच्चे नहीं होते, बच्चे हुए पत्नी बिछड़ जाती है, पत्नी या पुत्र बिछड़ जाते हैं, माता पिता बिछड़ जाते हैं, अलग रहते हैं, ऐसी जो क्रियाएँ हैं ये सब कुलदेवी और कुलदेवता की वह कृपा से बनते हैं, लेकिन जिनके घर में कुलदेवता और कुलदेवी की कृपा रहती है वो लोग सब लोग मिलजुल कर एक सुख शांति वाला परिवार बिताते हैं, इसलिए मैं उनको उन रात्रि में शुक्रिया देती हूँ। पूजन के बाद आप सभी लोग अभी नाश्ता कर लो, हम सब लोग मिलकर 11:30 बजे।